स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के फेवरेट कुकीज। तो कुकीज बनाने के लिए हम चाहिए एक बाउल और ये एक कप मैदा, आधा कप बेसन और एक चौथाई कप सूजी, ये छोटी इलायची थोड़ी सी और ये 1 पिंच मीठा सोडा, थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो अब इनको, इन सबको हम छान लेते हैं। मैदा, बेसन, सूजी और ये सोडा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें आधा कप घी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। ये इलायची भी डाल लेने हैं, थोड़ा सा वनीला एसेंस। और इसमें 1 कप शुगर पाउडर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बचा हुआ घी भी डाल लेना है। ये देखिए हमारा एक अच्छा सा स्मूथी सा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो उधर हमने 15 मिनट के डो रेस्ट के लिए रख दिया है, इधर हम ओटीजी प्रीहीट कर लेते हैं। ये 180 इसका टेम्परेचर रखना है और 10 मिनट के लिए प्रीहीट, इसका टाइमर लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। इस तरह से हम सारे बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे कुकीज बना के इस प्लेट में, ट्रे में लगा लिए हैं। अब क्या करना है, हमें इसमें एक प्लस का निशान बनाना है, इस तरह से चाकू से ये ऐसे सबके अंदर बनाना है। और फिर क्या करना है, ब्रश से थोड़ा सा दूध लगाना है, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर लगा लेना है थोड़ा सा ये हमने जो कट करके रखे हुए बादाम, ये इस तरह से। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सारे कुकीज बनके बादाम वगैरह लगा के सब रेडी हो चुके हैं। तो कुकीज हमने ओटीजी के अंदर रख दी है और इसका 20 मिनट का टाइम लगाना है। तो हमने कुकीज ओटीजी में रखने के बाद 20 मिनट का टाइम लगाया था, तो अभी थोड़ा सा कुकीज हमारे कम वो हुए हैं तो 5 मिनट का टाइम और लगा देते हैं हम। तो हमारे कुकीज बेक्ड हो चुके हैं और इनको बहुत सेफ्टी से निकाल लेते हैं। और इनको करीब 15 मिनट बाद हमें इस ट्रे से निकाल के हम आपको दिखाएंगे। तो कुकीज हमारे बन चुके हैं और ये नाइफ की हेल्प से ये निकाल लीजिए इनको। तो कुकीज हमारे रेडी हो चुकी है, देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छे से बने। अब आप इनको बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताएं।
ये कैसे लगे आपको? थैंक यू।